हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये जितने भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ये आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, मतलब आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि गंगा का स्रोत किसे माना जाता है। जो गंगा नदी है उसका स्रोत किसे माना जाता है, इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, गंगोत्री। तो गंगा का स्रोत किसे माना जाता है, गंगोत्री को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय खिलाड़ी को उपनाम टाइगर है। वह कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसका उपनाम टाइगर है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पटौदी। ठीक है, पटौदी का आपका उपनाम क्या था, टाइगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि डैश से संबंधित बीमारी जानने हेतु ईसीजी किया जाता है। ठीक है, तो जो ईसीजी किया जाता है वो किससे संबंधित बीमारी जानने के लिए किया जाता है, तो आपका हृदय से, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। जो पुलिकट झील है वो किस राज्य में स्थित है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जो पुलिकट झील है वो आपका कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑकलैंड कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ऑकलैंड कहाँ पर स्थित है, तो जो ऑकलैंड है आपका वो न्यूजीलैंड में स्थित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्फाल डैश की राजधानी है। जो इम्फाल है वो किसकी राजधानी है, ये आपको बताना है। तो जो इम्फाल है आपका वो किसकी राजधानी है, मणिपुर की राजधानी है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि चंद्रमा डैश का उपग्रह है। जो चंद्रमा है वो किसका उपग्रह है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ। इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार कहाँ पर हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, शक्ति स्थल में हुआ था। जो इंदिरा गांधी थी उनका अंतिम संस्कार कहाँ पर हुआ था, शक्ति स्थल में। ये कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन से शहर में स्थित है। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन से शहर में स्थित है, तो ये आपका कहाँ स्थित है, तो अमृतसर में स्थित है। ठीक है, अमृतसर में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किसके बढ़े हुए उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति किसके बढ़े हुए उत्पादन से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निशामक में कौन से गैस का उपयोग किया जाता है। जो अग्निशामक होता है उसमें कौन से गैस का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किसका किसका मिश्र धातु होता है, ये आपको बताना है। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जो स्टेनलेस स्टील होता है वो आपका लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सांभर नमक झील किस राज्य में स्थित है। जो सांभर नमक झील है वो किस राज्य में स्थित है, आपका ऑप्शन क्या है, गोवा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का आपका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।